पेपर ऑफ वॉटर वन एंड मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आप LMI पे आ रहे हैं या LMI पे आना चाहते हैं, डजंट मैटर विच प्रोविंस यू चूज, डजंट मैटर विच इंडस्ट्री यू चूज, डजंट मैटर आपकी क्या प्रोफाइल है, आप किस नॉक कोड में आ रहे हो, इट मीन्स आप किसी NOC कोड में आ रहे हो, डजंट मैटर आपको कितना पर आवर के हिसाब से मिला, डजंट मैटर आपकी क्या पास एक्सपीरियंस था, इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा ऑन विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा और सब कन्वर्ट करवाना चाहते हो, डेट मीन्स LMI पे, डेट मीन्स वर्क परमिट पे, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट में, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। LMI के रिगार्डिंग मैंने और भी वीडियो बना रखी है, पहले 3-4 वीडियो बना रखी है मैंने, लेकिन उस पर मैंने वो बात नहीं बताई थी जो मैं आज बताने वाला हूँ। एंड आपको मैं सिंपल लैंग्वेज समझाऊँगा किस प्रोविंस को चूज़ करना है, कैसे आपको PR मिलेगा, आपको कौन सा LMI लेना है। आपको कोई भी कंसल्टेंट एजेंट नहीं बताएगा, बिकॉज उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आपको PR मिले या ना मिले। कोई कंसल्टेंट एजेंट ये बोले कि हम आपको LMI दिलवाएंगे, वर्क परमिट दिलवाएंगे, आपको PR भी करवा के देंगे, पॉसिबल ही नहीं है अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है। वो बात की बात है, उसके रिगार्डिंग पहले बता चुका हूँ। आई विल टॉक अबाउट प्री अप्रूव्ड LMI और LMI जो आपके नाम पे अप्लाई होगा जब आप कन्वर्ट करोगे टूरिस्ट वीज़ा से विजिटर वीज़ा से वर्क परमिट पे, जब आपको LMI लगाना होगा। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वीडियो को शॉर्ट रखूँ, लिसन इट वेरी केयरफुली एंड इसी को फॉलो करना अगर आपको PR चाहिए, अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं, अगर आपको सही इंडस्ट्री में सही नॉकआउट में चाहिए, आपको सही प्रोविंस में वर्क करना है, अगर आपको अपनी लाइफ चेल चाहिए, आपको ज़िंदगी मतलब ख़राब नहीं करनी, तो लिसन इट वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग चाहे RNIP हो, रूरल स्ट्रीम हो, LMI हो, स्टडी वीज़ा हो, प्रोविंस के रिगार्डिंग हो, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। यू हैव टू टेक अ सेशन एंड यू हैव टू पे अ मिनिमम फीस जो $20 है या 500 इंडियन रुपीज़ है। अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो, इंडिया से नहीं बिलोंग करते हो, तो आई वुड सजेस्ट यू, यू कैन टेक माई यूट्यूब मेम्बरशिप और आप मुझे उसका स्क्रीन शॉट शेयर कर सकते हो, आपको मैं सेशन दे दूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो आई विल टॉक अबाउट द प्री अप्रूव्ड LMI और LMI एंड लिसन वेरी केयरफुली अगर आपको PR चाहिए तो। एंड यार दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, तो यार अगर आप LMI पे आ रहे हो और आपने किसी एजेंट कंसल्टेंट को ये बोला है कि भाई आपका नाम पेरोल चला देंगे, आप कैश में जॉब ढूंढ लेना, फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंग LMI इट्स इलीगल, बट एवरीबडी नोस LMI फ्री में नहीं मिलता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप पेरोल चलाओगे और आप सोचोगे आपको कैश में जॉब मिल जाए, इट्स नॉट दैट ईजी। जॉब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, सीरियसली। डजंट मैटर विच प्रोविंस यू मूव, डजंट मैटर विच लोकेशन यू लिव, इट्स नॉट ईजी टू गेट अ जॉब इवन इन कैश। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इलीगल, इफ यू कॉट यू विल बी डिपोर्टेड। सिंपल सी बात आप समझाते हो, LMI होता क्या है, जब किसी एम्प्लॉयर को वैसा एम्प्लॉई या वैसा पर्सन नहीं मिलता अपने सुटेबल जॉब के लिए, चाहे वो टेम्प्रेरी रेजिडेंट वर्कर हो, चाहे वो PR होल्डर हो, कैनेडियन सिटीजन हो, तो वो IRCC को बोलता है कि भाई सीधी सीधी बात है, मेरे को बंदा तो मिल नहीं रहा, मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने Indeed.CA या JobBank.GC किसी जॉब पोर्टल पे मैंने लगाया था जॉब के लिए, मेरे को बंदा कोई सुटेबल मिला नहीं, तो मुझे एक फॉरम वर्कर हायर करना है। और फॉरम वर्कर को हायर करने के लिए एक डॉक्यूमेंट लगाते हैं LMI, डेट मीन्स लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। जो आपका जो LMI का जो डॉक्यूमेंट है वो अप्रूव होता है या रिजेक्ट होता है, वो होगा बाय द ESDC, वो अप्रूव करेंगे रिजेक्ट करेंगे। अगर आप विद इन कैनेडा हो इट विल टेक 4 मंथ्स, बट राइट नाउ करंट सिचुएशन में 5-7 महीने भी लग रहे हैं, क्योंकि फाइल्स बहुत सारी है। इट्स डिपेंड आप किस इंडस्ट्री में जाते हो, आपका नॉक कोड क्या है, आप किस प्रोविंस में हो, ये सारी से मैटर करती है, और आपकी प्रोफाइल, आपका पास्ट का एक्सपीरियंस और पास की क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ मैटर करता है जब आपका LMI अप्रूव होता है। अप्रूव हो भी सकता है और नहीं भी सकता। बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि कितने परसेंट चांसेस होते हैं, 80-70% चांसेस होते हैं कि आपका LMI अप्रूव हो जाएगा, लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से इट्स नॉट दैट इजी। और लोअर जॉब्स में जो NOC-C, NOC-D जॉब्स होती है, उसमें जो जॉब्स है मीन्स LMI अप्रूवल के जो चांसेस है वो कम हो गए हैं। और अभी IRCC ने बनाया कि 30% आप वर्कफोर्स आप रख सकते हो फॉरम वर्कर की, 30% से 20% हो गया है। तो ये होगी साइड वाली बात। बात करता हूँ मुद्दे की, देखो यार दो तरीके से LMI के रिगार्डिंग बात करूँगा, एक होता है प्री अप्रूवल LMI और एक होता है LMI जब आप अप्लाई करते हो, अपना कन्वर्ट करवाते हो अपना वीज़ा, जब टूरिस्ट से विजिटर से वर्क परमिट पे, या आप अपनी होम कंट्री से फाइल लगाते हो। देखो अपनी होम कंट्री से फाइल लगा रहे हो 8-9 महीने 10 महीने तो आराम से लगेंगे मिनिमम, और इसमें कोई गारंटी नहीं है आपको आपका PR आपका LMI अप्रूव होगा या नहीं होगा। विद इन कैनेडा हो चांसेस ज़्यादा है फाइल के कि अप्रूव हो जाएगा और टाइम कम लगेगा, बट राइट नाउ 5-6 महीने लग रहे हैं, इवन 4 महीने भी नहीं लग रहे हैं।
इट्स डिपेंड, जो मैंने पहले बोला प्रोविंस, योर प्रोफाइल, योर लोकेशन। अगर आपको LMI पे आना है तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू ऐसे प्रोविंस को चूज़ करना जहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, चाहे वो यूकॉन हो, नोवा स्कोशिया हो, न्यू ब्रंसविक हो, अल्बर्टा हो। सस्कैचवन में तब आना जब आप किसी अच्छी इंडस्ट्री में जा रहे हो, चाहे वो शेफ़ हो, कुकिंग हो, स्टेम रिलेटेड कोर्सेज हो, स्टेम रिलेटेड जॉब हो, स्किल बेस्ड जॉब हो, मेडिकल से रिलेटेड जॉब हो, ये सब की बात है। इफ़ यू गो टू ऑन्टारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक प्रोविंस, आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली, भूल जाओ कि आपको PR मिलेगा। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, चांसेस यहाँ पे बहुत कम होते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स के हिसाब से आपका लगता है। और जिस प्रोविंस के रिगार्डिंग मैंने पहले कहा था, अल्बर्टा, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, यूकॉन और सस्कैचवन, यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट अगर आप मुझसे पूछो विच प्रोविंस यू हैव टू चूज़ फॉर द LMIA, आइदर चूज सस्कैचवन या अल्बर्टा, या उससे भी बेटर है अल्बर्टा, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक। रिमेंबर दिस थिंग। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका मेरा ये टॉपिक था, मेरा मेन मुद्दा था, अगर आपको जल्दी करना है तो ऑलवेज गो इनटू द प्री अप्रूवल LMIA। वर्क वीज़ा को कन्वर्ट मत करवाओ, प्री अप्रूवल LMIA पे जाओ। उसका रीज़न क्या होगा, देखो, क्योंकि LMIA ऑलरेडी अप्रूव्ड है, उस पर आपका सिर्फ नाम लिखना है, मीन्स आपका सिर्फ नाम चढ़ाना है। जैसे ही आपका नाम चढ़ जाएगा, विद इन 2 or 3 days के अंदर ही आपको मेडिकल करवाना होता है, जो $415 होता है। अगर अपनी होम कंट्री से करवाते हो उसका अलग अलग रेट होता है, कनाडा में हो तो $415 से $450 आपको फीस पे करनी है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, ऑफर लेटर, मेडिकल, सारी चीज़ें आपकी होगी, LMIA अप्रूव का डॉक्यूमेंट आपके पास होगा। सबसे बेटर है कि फ्लैग पुलिंग करो। दो तरीके से वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो, इसके बाद जब आपको LMIA मिल जाता है, मेडिकल हो जाता है, आपको वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना होता है। आइदर गो थ्रू ऑनलाइन, ऑनलाइन में 2 to 4 months लगते हैं, ठीक है। अगर आप फ्लैग पुलिंग करोगे, डेट मीन्स अगर आपको बॉर्डर पे जाओगे, जो कैनेडा US का बॉर्डर है, वहाँ पे जाओगे, 10 मिनट या आधे घंटे में हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, आपके बारे में पूछते हैं, आपकी प्रोफाइल के बारे में पूछते हैं, क्या क्या किया हुआ है आपने, और आप किस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, कहाँ पे करोगे और कब से हो कैनेडा में, यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको बॉर्डर क्रॉस नहीं करना होता है, एक रास्ता होता है, वहाँ से घूम के वापस आना होता है, क्रॉस करते हैं, स्टैम्प लगाते हैं वर्क परमिट का, विद इन 10 मिनट्स और आधे घंटे में हो जाता है, उसके बाद आप काम करना शुरू करो। आई वुड हाईली सजेस्ट यू, कन्वर्ट मत करवाओ टूरिस्ट से, विजिटर से, LMIA के रिगार्डिंग। सबसे बेटर है प्री अप्रूवल LMIA पे जाओ। हर एजेंट कंसल्टेंट का अपना अपना रेट होता है। अगर आप मुझसे पूछो कि अभी क्या रेट चल रहा है, तो मैं आपको सीधा बताता हूँ, 25,000 to 38,000 या 40,000 के बीच में चल रहा है। इट्स डिपेंड योर प्रोविंस, योर इंडस्ट्री, योर नॉक कोड, इट्स ऑल्सो डिपेंड योर कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट, एजेंट टू एजेंट। रिमेंबर वन थिंग, LMIA इज इलीगल टू बाय, बट रियलिटी यही है, फ्री में नहीं मिलता। सो आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली, गेटिंग अ अप्रूवल, गेटिंग अ LMIA अप्रूवल राइट नाउ, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सबसे बेटर आपको मैं एक चीज़ कहूँगा, सबसे बेटर अगर आपको PR चाहिए ना, LMIA को भी गोली मारो आज के टाइम पे। सबसे बेटर है रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम, इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, यू कैन गो थ्रू इट, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। सबसे बेटर है रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम, उसके बाद है RNIP, और उसके बाद आता है प्री अप्रूवल LMIA, फिर आता है ये LMIA को कन्वर्ट करवाना। आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली, स्कैम फ्रॉड बहुत होते हैं, नेवर एवर ट्रस्ट इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट, 80% to 90% गोलीबाज होते हैं, दोगले होते हैं। वो आपको वो चीज़ देंगे जो उनके पास अवेलेबल है, लेकिन आपको वो नहीं लेना, आपको वो लेना है जिसमें आपको बेनिफिट होगा, इसमें आपको जल्दी से जल्दी PR मिलेगा। आपको 1 year का एक्सपीरियंस करना होगा, उसके बाद ही आप एलिजिबल होगे। बहुत लिमिटेड जॉब्स होती है जिसमें आपको सिर्फ 6 months का होता है, लाइक शेफ़ के रिगार्डिंग हो गया, मेडिकल के रिगार्डिंग हो गया, लेकिन वहाँ पे इतना मिलना इजी नहीं है। बाकी हर मोस्टली इंडस्ट्री में, मोस्टली जॉब्स में आपको 1 year एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी पड़ेगी। सो आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली, और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको PR चाहिए, फॉरगॉट LMIA। पहले मैं LMIA के रिगार्डिंग बोलता था, फॉरगॉट LMIA, फर्स्ट गो टू रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम, देन RNIP, देन LMIA, प्री अप्रूवल LMIA, फिर LMIA, ये है। या अगर आपको लगे कि मुझे इन पर भरोसा नहीं है, देन कम टू स्टडी वीज़ा। दैट्स अ वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेट इन टू द PR, बट चूज़ द राइट प्रोविंस, लाइक अटलांटिक प्रोविंस या RNIP जो 11 कॉम्पिटिशन आती है वो, या यूकॉन प्रोविंस, और टेक द कोर्स मिनिमम 2 years। नो 1+1, नो 1 year, इट शुड बी 2 years। सो वीडियो रिपेंड करता हूँ, एंड करने से पहले, इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन DM मी ऑन Instagram। यू हैव टू पे अ नॉमिनल फीस, आइदर कैनेडियन $20 या 500 Indian rupees।
अगर मैं फिर से रिपीट करूँगा, अगर आप इंडियन नहीं हो, आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर किस भी कंट्री से बिलोंग करते हो, और आप नहीं पे कर पा रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट यू यू कैन बाय द माई यूट्यूब मेम्बरशिप और यू कैन शेयर द स्क्रीन शॉट. वैसे मतलब मुझे पता चल जाएगा, आप बाय कर सकते हो, मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या मुझे मेल कर सकते हो मेरी ID पे nabilhabun@gmail.com. आई विल गिव यू सेशन. सो ये पेंड करता हूँ. इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे.